शुक्रवार 22 जुलाई को रिलीज के लिए तैयार यशराज फिल्म की नई फिल्म शमशेरा की एडवांस बुकिंग खुल चुकी है। फिल्म संजू के 4 साल बाद बड़े पर्दे पर रणवीर कपूर को हो रही वापसी को लेकर उनके प्रशंसकों में जबरदस्त जोश भी देखा जा रहा है और इस जोश को दोगुना करने फिल्म शमशेरा की टीम अब देश के बड़े बड़े शहरों के टूर पर निकल रही है। रणवीर कपूर फिल्म में अपने साथी सितारों संजय दत्त और वाणी कपूर के साथ सोमवार को दिल्ली में होंगे और इस दौरान रणवीर कपूर और संजय दत्त एक साथ पेशकश भी अपने प्रशंसकों के सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। I love you guys, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब यहाँ आए। 4 साल हो गए मेरी फिल्म आते हुए। जो मेरी लास्ट फिल्म थी वो मेरे फेवरेट संजू सर पे थी, संजू, और फिर हमारी फिल्म शमशेरा आ रही है 22 जुलाई को। फिल्म शमशेरा के साथ रणवीर कपूर पहली बार डबल रोल करने जा रहे हैं। फिल्म में उनका एक ऐसे डकैत का रोल है जो अंग्रेजों के नाक में दम कर देता है। 19वीं शताब्दी के अपराधी की इस कहानी में संजय दत्त एक जालिम बेदर्द रूखे से पुलिस अफसर शुद्ध सिंह का किरदार निभा रहे हैं। संजय दत्त और रणवीर कपूर के बड़े पर्दे पर होने जा रहे इस भिड़ंत का लोगों को बेसब्री से इंतजार है और फिल्म की रिलीज से पहले अपने प्रशंसकों से मिलने के लिए फिल्म के सितारे नई दिल्ली में होंगे। जानकारी के मुताबिक फिल्म बनाने वालों ने इन सितारों के प्रशंसकों के लिए एक दिलचस्प कार्यक्रम की योजना तैयार की है जिसके तहत फिल्म शमशेरा की पूरी टीम को मीडिया और चाहने वालों के सामने उनके सवालों के जवाब देने के लिए पेश होगी। कार्यक्रम का सबसे रोचक पहलू होगा संजय दत्त और रणवीर कपूर का मंच पर होने वाला आमना सामना। दोनों फिल्म के अपने अनुभवों के अलावा निजी जिंदगी में एक दूसरे की शख्सियत के अपने ऊपर होने वाले प्रभाव का भी खुलासा करेंगे। साथ में वाणी कपूर और फिल्म के निर्देशक करण मल्होत्रा भी इस दिलचस्प बातचीत में अपने अनुभवों को साझा करेंगे। 19वीं सदी के भारत में बसे गांव काजा की कहानी कहती निर्देशक करण मल्होत्रा की फिल्म शमशेरा में रणवीर कपूर अपने इन किरदारों के बारे में खासे उत्साहित हैं। वह कहते हैं, फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा और निर्देशक करण मल्होत्रा के भरोसे ने मुझे ये किरदार करने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों किरदारों को करना और इस राज को अपने दिलों तक छुपा कर रखना आसान नहीं रहा। मैं शुक्रगुजार हूं फिल्म से जुड़ी पूरी टीम का, जिन्होंने दिन रात की मेहनत के साथ इस फिल्म को अंजाम तक पहुंचाया है। 22 जुलाई को हिंदी के अलावा तमिल और तेलुगु में रिलीज होने जा रही फिल्म शमशेरा की कहानी काजा नामक एक काल्पनिक शहर की पृष्ठभूमि में है। कहानी के मुताबिक शमशेरों से लोहा लेने निकल पड़ता है। उसका मकसद है इलाके के कूर अंग्रेज अफसर शुद्ध सिंह के चुंगल से उन आदिवासियों को निकालना जिन्हें उसने गुलाम बनाकर रखा है। अपने समाज की रक्षा के लिए निकले शमशेरा के इस संघर्ष में उसका साथ देती हैं इलाके की एक सुंदरी जिसका किरदार फिल्म में वाणी कपूर निभा रही हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।